और मैं स्वागत करते हैं, धन्यवाद। विनय आप लोगों को ब्रीफ करेंगे इसके बारे में जो आज का एजेंडा है। नमस्कार, आप सभी उपस्थित देश के चौथे स्तंभ विभिन्न प्रेस व समाचार पत्रों के पत्रकारों का नीमा हिसार नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की पत्रकार वार्ता में मैं मंच से स्वागत करता हूं और आज यहां आने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं डॉक्टर विनय शर्मा, नीमा सचिव हिसार और नीमा हरियाणा ज्वाइंट सेक्रेटरी, मंच पर उपस्थित नीमा के पदाधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार का व CCIM का ISM डॉक्टर्स के लिए, आयुष के डॉक्टर्स के लिए सर्जिकल प्रक्रियाओं की प्रमाणिकता के लिए नीमा संगठन की तरफ से इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। नीमा ISM इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स के ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट्स का सबसे बड़ा, पुराना, मजबूत देशव्यापी संगठन है। CCIM और भारत सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए आयुष के डॉक्टर्स को सर्जरी की प्रक्रियाओं की देश भर में प्रामाणिकता देने का कार्य करके सराहनीय और देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य पहुंचाने की राह में बड़ा कदम उठाया है। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, का 1:400 डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर के 400 जन जन के पास एक डॉक्टर होना चाहिए, वो अनुपात आज भारत में 1:1000 है। ये कदम उसको अनुपात को कम करने के लिए बड़ा कदम माना जाएगा। परंतु अफसोस से यह भी कहना पड़ रहा है कि बिना सत्य जाने IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार के सराहनीय कदम का विरोध किया है और 11 दिसंबर को सरकार के इस निर्णय के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी है। IMA का यह कार्य द्वेषपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है, संवेदनहीन है व कुंठित व्यवसायिक मानसिकता को दर्शाता है। IMA ऐसा केवल पेशेवर ईर्ष्या के चलते कर रही है और देश के सार्वजनिक हित को, स्वास्थ्य हित को ताक पे रख रही है। चिकित्सा जगत में पूर्ण रूप से पढ़ाई करके चिकित्सा सेवा करना एक चिकित्सक का हक है। ISM चिकित्सक, आयुष चिकित्सक भी भारत सरकार के पाठ्यक्रम व नियम अनुसार +2 बायोलॉजी से पढ़ाई करके नीट की परीक्षा पास करके BMS में दाखिला लेता है और 4.5 साल की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में, जिसमें सभी मॉडर्न मेडिसिन के सब्जेक्ट और सभी आयुर्वेद के सब्जेक्ट होते हैं, उनको पास करके तत्पश्चात 1 साल की इंटर्नशिप करके BMS की डिग्री हासिल करता है। उसके पश्चात वह पुनः नीट की परीक्षा पास करके 3 साल तक PG का कोर्स करने जाता है, जिसमें ENT, शल्य और गायनी, ओब्स, क्षारसूत्र आदि काफ़ी कोर्सेज हैं और वह शल्यक्रम की मॉडर्न सब्जेक्ट में और आयुर्वेद सब्जेक्ट में पूरी पढ़ाई करता है। प्रैक्टिकल ऑपरेशंस और शल्य चिकित्सा में हिस्सेदारी और ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद वो सर्जन बनता है, तभी वह सर्जरी कर सकता है। यह प्रक्रिया BMS और MS, MD और MS और MBBS MS और BMS MS सभी के लिए समान है। उसके IMA संगठन के पदाधिकारी व साथी द्वारा मिक्सोपैथी, खिचड़ीकरण, ना जाने अनेक तरह के बरगलाने वाले शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उपहास किया जा रहा है, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। नीमा इसका खंडन करती है, हमारा संगठन इसका खंडन करता है। फादर ऑफ सर्जरी दुनिया भर में आचार्य सुश्रुत को माना गया है। उस प्राचीन काल में उन्होंने शल्य के क्रम, शल्य के तरीके, शल्य में इस्तेमाल होने वाले टेक्निक्स, शल्य के इस्तेमाल होने वाले औजार आदि सभी का व्याख्यान किया है। उनका ज्ञान इस्तेमाल करने का अधिकार किसी एक का नहीं है, उस ज्ञान का इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीके किसी एक के नहीं है, उन्हें सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार इस तरह के सकारात्मक कदम उठाकर देश की जन जन तक, भारत सरकार द्वारा ये कदम उठाकर देश के दूर दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य पहुंचाने में एक सराहनीय कदम है। आज़ादी के बाद कई समितियां बनी, कई ऐसे संगठन प्राप्त हुए जिन्होंने देश की चिकित्सा को एकीकरण करने का कदम उठाया। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी इसके पक्षधर थे। चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाने का, चिकित्सा को हर एक किसी के पास पहुंचाने का कदम उठाया, जिसके अंतर्गत ISM के डॉक्टर्स निजी प्रैक्टिस के अलावा कई नीतियां जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे NRHM, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
108 एम्बुलेंस मिशन, आयुष्मान भारत, बाल कल्याण, महिला कल्याण, और इसके अलावा तत्कालीन कोविड के अंदर भी आईएसएम के डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसी ना जाने कितनी सरकारी चिकित्सा नीतियां हैं जिसमें आईएसएम के डॉक्टर्स हर कदम पर सरकार के साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सेवा को दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचा रहे हैं। वो दूर दराज के इलाके जहां पर एमबीबीएस के और एमएस किए हुए एलोपैथी के चिकित्सक कभी नहीं जाना चाहते। इसके अलावा देश के सरकारी और प्राइवेट 80% आईसीयू में आयुष के डॉक्टर्स, आईएसएम के डॉक्टर्स सेवा देकर जन जन की जान बचा रहे हैं। सरकार के इस कदम को पूर्णतः कानूनी रूप से साबित करने के लिए आईएसएम के डॉक्टर्स की पढ़ाई व उनका पूरा प्रोटोकॉल और उनका पाठ्यक्रम और सिलेबस ही काफी है। सरकार के इस कदम से देश की जनता को अधिक से अधिक सामान्य सर्जन, अधिक से अधिक नाक कान गले के सर्जन, अधिक से अधिक आई के सर्जन मिलेंगे। नीमा संगठन सरकार के इस कदम का एक बार पुनः साधुवाद और धन्यवाद करती है। और नीमा के सदस्यों की हड़ताल, आईएमए के सदस्यों की हड़ताल निंदा करते हुए कि कोविड के इस काल में जब सरकार को चिकित्सा की बहुत सख्त जरूरत है, उस वक्त यह हड़ताल रखी गई है, उसे केवल खुद के हितों को देखते हुए आईएमए यह हड़ताल कर रही है, सरकार को ब्लैकमेल कर रही है। इस हड़ताल में भी उनके अस्पताल में हमारे आयुष के चिकित्सक एमओ के रूप में ड्यूटी करेंगे और जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएँ ना रुके ऐसी पूर्ण कोशिश करेंगे ताकि जनता को पूरा स्वास्थ्य मिल सके। अंत में मैं यही कहूंगा कि आईएमए की हड़ताल उन आईएसएम और आयुष के शहीद डॉक्टर्स का भी अपमान है जिन्होंने कोविड के काल में सरकार के साथ और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ड्यूटी देते हुए कोविड के मरीजों का इलाज करते हुए अपनी जान गंवा दी। उनका भी अपमान होगा कि आईएसएम के डॉक्टर्स को ये अधिकार मिला है उसकी कोई खिलाफत करे। नीमा गर्व के साथ कहती है कि नीमा का हाथ सरकार के साथ। धन्यवाद। इसके अलावा मैंने आपको ये मैंने ब्रीफ किया था, इसमें जो मैंने आपको दिए हैं उसमें वो सारी समितियां जो गवर्नमेंट ने बनाई है, वो सारी नीतियां जहाँ पे आयुष्मान डॉक्टर्स कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर बीएमएस के सिलेबस जो हमारे शालाक्य और शैल्य की चिकित्सा कर जिसको अधिकार अभी दिया है वो ये बरगला रहे हैं कि बैचलर्स बीएमएस को अधिकार दे दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने मास्टर ऑफ सर्जरी इन आयुर्वेदा शल्य, मास्टर ऑफ सर्जरी इन शलाक्य यानी कि ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट और गाइनी ऑप्स को ये अधिकार दिया है। ये अधिकार बैचलर यानी कि स्नातक की हुई डिग्री को नहीं दिया है। एमबीबीएस को भी वो सर्जरी का अधिकार नहीं है, बीएमएस को भी वो अधिकार नहीं है, एमडी को भी सर्जरी का अधिकार नहीं है। ये केवल एमएस को अधिकार होता है, चाहे वो आयुर्वेद से एमएस हो चाहे वो एमबीबीएस से एमएस हो। और ये उनके सिलेबस हैं और ये वो आज, और ये कोई नई बात नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि आज अधिकार दे दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई हो रही है, तब से ये अधिकार प्राप्त हैं। और ये वो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर लगातार सर्जरीज हो रही हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी करने के बाद एलोपैथिक तरीके से ये सर्जरी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो 4 साल का बीएमएस का प्रोटोकॉल पढ़ाई होती है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, उन्होंने भी हमारे पक्ष में फैसला दे दिया था, सरकार ने उसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसमें भी पूरा मॉडर्न का सिलेबस है, पूरा मॉडर्न की जो उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जरी, गायनी, एवरी सिलेबस इंक्लूडेड होता है बीएमएस का, प्लस आयुर्वेद होता है। उनका केवल एलोपैथिक होता है, इसमें प्लस आयुर्वेद होता है। इसके बाद हमारे जो एमएस के एमएस सर्जरी करके आते हैं जिनके ऊपर अभी बात उठ रही है, उनके सिलेबस में रेफरेंस बुक में कंप्लीट एलोपैथिक होती है। आप लोगों को ये भी जान के खुशी होगी कि जिस तरह का वो सवाल उठा रहे हैं उस तरह हमारे हिसार शहर में पिछले 6-7 साल से बीएमएस करके ईएनटी में सर्जरी डॉक्टर मनोज आर्या लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, और उनका कुछ भी ऐसे नहीं है। इसके अलावा एनोरेक्टल की सर्जरीज हमारे डॉक्टर सुनील जी हैं जो बीएमएस करके क्षार सूत्र के अंदर यानी कि एनोरेक्टल डिजीज का सर्जिकल ऑपरेशन करके सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। ये सिर्फ एक मिथ्या प्रचार है, उनकी मोनोपोली खत्म ना हो जाए, उनके जो है एकाधिकार एक चिकित्सा क्षेत्र पर एकाधिकार सिर्फ मैं ही करूँ, मैं ही इस्तेमाल करूँ, मैं ही ये कार्य करूँ, सिर्फ इस तरह करके जनता को बरगलाने के अलावा इसका कुछ नहीं है।
आयुष के डॉक्टर्स आगामी 11 तारीख को अपनी पूरी की पूरी सारी सुविधाएं जनता के लिए खुली रखेंगे। हम जो एक्स्ट्रा टाइम देके मरीजों को जो असुविधा होकर डॉक्टर्स की कमी में होगी, हम कंप्लीट हमारी जो है ओपीडीज खुली रखेंगे, चाहे हमें लंच टाइम में काम करना पड़े, हम जनता तक हर तरीके से सुविधाएं पहुंचाएंगे। हम पिंक रिबन बांध के अपने ओपीडीज में कार्य करेंगे ताकि जनता तक हम उस बात को पहुंचा सके और सरकार का धन्यवाद कर सके। धन्यवाद। हम नहीं करने वाले हैं, हमने बताया कि हम उसका विरोध करेंगे। हाँ जी, वो आईएमए कर रही है, मैंने बताया आपको, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हम नीमा आयुष के डॉक्टर्स, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन उस हड़ताल का विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि वो ये बात के लिए हड़ताल कर रहे हैं कि इनको अधिकार क्यों दे दिया गया है। एक बात बताइए, आप सभी लोग पत्रकार बंधु है, पत्रकारिता का कोर्स आप करके आके पत्रकार बन सकते हैं। अगर आपने कोर्स किया है तो हर पत्रकार समान है, उसके पास डिग्री है वो समान है। उसी प्रकार बीएमएस और एमएस भी बीएमएस से पूरी डिग्री करके, पूरा कोर्स करके, समानांतर रूप से डॉक्टर बनके, समानांतर रूप से चिकित्सक और सर्जन बनके कार्य करते हैं। वो कोई किसी तरीके की क्वैक नहीं है, वो किसी तरीके के गलत नहीं। हॉस्पिटल नाम मात्र बंद रहेंगे, उनका कोई औचित्य नहीं भी हॉस्पिटल, बड़े और छोटे हॉस्पिटल की लड़ाई शुरू हुई। नहीं सर, ये सिर्फ सर ईगो के लिए, बीएमएस और कितने डॉक्टर साहब ने भी साथ की बात कर रहे हैं, एमएस कितने बड़े संगठन के बीच में लड़ाई शुरू हुई। सर ऐसा है, ये एक ना अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें किसी पब्लिक का इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा, पब्लिक को तो च्वाइस है, आपके पास च्वाइस है, आप बीएमएस डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पास च्वाइस है एक एमएस डॉक्टर के पास जाते हो आपको अगर उन्होंने अपने व्यवसायिक हित आगे रखे हैं, उन्हें पब्लिक की कोई टेंशन नहीं, पब्लिक के लिए वो एजिटेशन नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम उस एक लाइन में कहूं तो गरीबों के डॉक्टर और अमीरों के डॉक्टर में लड़ाई शुरू हो चुकी है, ऐसा ही समझ लिया अधिक सर। हमारा कंसर्न ये है कि हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हेल्थ फॉर ऑल होना चाहिए। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उनको, सर हम देश की 80% और 80% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हम बीएमएस डॉक्टर कर रहे हैं, और जिनके अब ये रही बात इनके हॉस्पिटल बंद होने की, ये कोई हॉस्पिटल आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो, बंद नहीं होगा। हर किसी हॉस्पिटल में 5-10 बीएमएस मिलेंगे जो उनकी ओपीडी चलाते मिलेंगे। ये इनका एक मिथ्या प्रचार है, हमें थोड़ा सा हीन भावना इनके अंदर आ गई है, भी हमारे पास बराबर कुर्सी में कैसे बैठ रहे हैं। आगे पढ़ने का अधिकार है, अगर एमबीबीएस पढ़ के आगे एमएस कर सकते तो बीएमएस क्या करेगा? बीएमएस कुछ ना पढ़े, बीएमएस भी तो आगे एमएस करेगा या एमडी करेगा। अगर एमएस करता है तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो करेगा, और ये कहते हैं कि प्रैक्टिस क्यों करेगा? एमएस मीन्स आप सर्जरी करेंगे। जब गवर्नमेंट ने इसके लाभ बना दिए कि सर्जरी कर सकते हैं आप, तो हम क्या करें? इसका मतलब बीएमएस करने के बाद आप बीए के बाद एमए करते हैं, एमए के बाद पीएचडी करते हैं, इसका मतलब बीएमएस करने के बाद अपनी भावनाओं को खत्म कर दें, आगे पढ़ाई बंद कर दें। कोई पढ़ना चाहता है हमारे में से आगे तो पढ़े, क्यों ना पढ़े। तो ये गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है कि वो हायर एजुकेशन को ऐसा बनाए, जो ये कहते हैं कि इनके इंस्टीट्यूशन ऐसे ही हैं, फुद्दू फंड इंस्टीट्यूट। इन्होंने वर्ड जो यूज किया खिचड़ी तब का, आप सुनिए, डॉक्टर्स को इन्होंने कहा खिचड़ी तब का। क्या जो गवर्नमेंट्स इतनी इतनी यूनिवर्सिटी बना रही है, जो एमएस हमारे आयुर्वेद में करके आ रहे हैं, वो खिचड़ी बन के आ रहे हैं? मान लो खिचड़ी बन के आ रहे हैं, दे शुड आस्क टू द गवर्नमेंट टू मेक द यूनिवर्सिटीज मोर रीजनेबल, मोर एजुकेटेड पीपल शुड बी एंटर्ड इन दैट यूनिवर्सिटीज, ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिले। इन स्पाइट को कि आप कंडेम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट्स को कहो कि इनके इंस्टीट्यूशन को, आयुर्वेदिक सेंटर्स को और फ्लोरिश करें और अच्छे डॉक्टर्स वहाँ भर्ती करें, ताकि ये जो आयुर्वेदिक स्नातक एमएस करके आते हैं आगे पढ़े। और फिर जब हम बीएमएस करने के बाद एमएस नहीं कर सकेंगे तो फिर आगे पढ़ाई का क्या जुटे? इसका मतलब हम स्टैग्नेट हो गए ना, हम आगे पढ़ ना सकते। डॉक्टर साहब, आपके पास भी एमएस की डिग्री है, वो भी एमएस की डिग्री कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो जब जाके उनको ऑपरेशन की परमिशन मिल रही है, तो फिर इतराज किस बात का आ रहा है? इतराज ये, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर भी आयुर्वेद पढ़ेगा, होम्योपैथिक पढ़ेगा कुछ कोर्स, एलोपैथिक पढ़ेगा। वो ये कहते हैं कि हम क्यों पढ़ेंगे, हम सिर्फ एलोपैथिक पढ़ेंगे, जबकि गवर्नमेंट कहते हैं कि मैन इज वन, आइदर यू ट्रीट विद होम्योपैथी, आपकी चॉइस है, आइदर यू ट्रीट विद होम्योपैथी, आयुर्वेदा और एलोपैथी, ये आपकी चॉइस है। आप आयुर्वेदिक के पास जाते हैं, जब एक डॉक्टर के पास तीनों नॉलेज होंगी तो आप प्रॉपरली उसको गाइड कर सकोगे कि ये पेशेंट आयुर्वेदिक ज्यादा जल्दी ठीक हो, तो लेट इट। वो कहते हैं कि हम क्यों पढ़ें, और हम चाहते हैं कि हम पढ़ें, हम
हमें लगेगा कि पेशेंट को एलोपैथिक ट्रीटमेंट देना है तो हम एलोपैथिक भी देते हैं, हम चाहते हैं कि आयुर्वेदिक पेशेंट लेना चाहता है तो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो उनको ये एतराज है कि खिचड़ी ना बनाई जाए, सिंपल एलोपैथिक को एलोपैथिक रखा जाए और उसको रखा जाए। दूसरा, उनको सर्जरी की डिग्री मत दी जाए, हायर एजुकेशन मत दिया जाए, वो हमारे कॉम्पिटेंट मत बने। नुकसान तो मैडम होने नहीं देंगे, नुकसान हम होने नहीं देंगे। उसका रीजन बता देता हूँ आपको कि उनकी जो क्वेरीज हैं, उन्होंने पहले ये कहा कि इनको इसी सिस्टम में रहना चाहिए, हमारे सिस्टम में क्यों आ रहे हैं, हम उनके सिस्टम में नहीं जा रहे हैं। इंटीग्रेशन 1958 में, इंटीग्रेशन वर्ड 1958 में राज्यसभा में फार्मेकोलॉजिकल एक्ट आया था, तब शुरू हुआ था। उसके बाद सरकार के काफी प्रयत्न के बाद इंटीग्रेशन शुरू हुआ। जैसा कि विनय जी ने बता दिया कि हमारी स्टडी में दोनों चीजें होती हैं, इंटीग्रेटेड होता है। तो अब ये प्योर व्यवसायिक हित है, उसमें उनको क्लैश होता है। जनता का तो पहले भी कुछ नहीं हो रहा था। हमारे 10 इंस्टीट्यूशन हैं, मैं आपको बता देता हूँ। BHU आपने नाम सुना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ऐसे 10 इंस्टीट्यूशन है जहां ऑलरेडी डिग्री हो रही है, ऑलरेडी काम हो रहा है, ये कोई नई चीज नहीं हुई है। 58 नोटिफिकेशन जो सर्जरीज की हुई है, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, उनको ये लगता है कि ये पहले तो BMS करके हमारे कॉम्पिटिटर हैं, अब ये PG करके भी हमारे कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। ऑलरेडी कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन वो कोई ऐसे तो कॉम्पिटिटर नहीं है ना। अभी आपने DN कॉलेज से करके आप आ गए हो, आपको NEET PG सिलेक्ट होना है, फिर उसके बाद सर्जरी करनी है, फिर उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा। ऑलरेडी वो सर्जरी चल रही है। प्लस उनका ये मिसकॉन्सेप्ट है कि ये लोग सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। हमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में राइट्स मिले हुए हैं, विधानसभा से बिल पास है मॉडर्न मेडिसिन यूज करने का, तो हम अभी अब फर्स्ट पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है हेल्थ केयर में, वो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के वर्कर हैं, हम भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के वर्कर हैं। आपको फर्स्ट प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट पोर्टल ऑफ एंट्री हम लोग होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हम मैनेज करते हैं, वो टर्शरी करते हैं, उनको टर्शरी करने दीजिए। लेकिन अब उनको ये लगता है सेकेंडरी में भी ये लोग आ जाएंगे, प्राइमरी में तो वो एक्सेप्टेबल है, उनके एट पार नहीं ठहरते क्योंकि वो सेकेंडरी सेंटर्स हैं। अब उनको ये लगने लगा कि ये सेकेंडरी में भी हमारे एट पार हो जाएंगे, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता, जबकि ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी है। डॉक्टर मनोज आर्य बोलेंगे। डॉक्टर साहब आप अपने क्वेश्चन सब थोड़ा सा ऐसे, मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। डॉक्टर मनोज आर्य आप ही देंगे। डॉक्टर मनोज आर्य, जोर से बोलो डॉक्टर साहब, पीछे तक आवाज जाएगी। MS साला के आपकी कोई क्वेरी आप मुझसे कीजिए, मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कि एक एलोपैथी दवाएं भी हैं जो BMS डॉक्टर भी देता है, तो उसमें और इसमें इस उल्टी भी है, कुछ IMA के डॉक्टर भी देते हैं। जी बिल्कुल, ये क्या है? ये सिर्फ हमें क्या है, सरकार ने इसको क्या किया है? आम जनता स्वास्थ्य पहुंचाना है। यहाँ कोई कह रहा है मिक्सोपैथी है, कोई कह रहा है ये पैथी है। एक्चुअली मैं पैथी कहता ही नहीं, आयुर्वेद तो चिकित्सा शास्त्र है, ये विज्ञान है अपने आप में। पैथीज तो बाद में डेवलप होती है, जो इधर उधर से उठा उठा के चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक 1792 में एक एलोपैथी मेट्रिका मेट्रिया की अकॉर्डिंग, तो एलोपैथी भी एक मिक्सोपैथी है। आप कभी जाएंगे ना लिटरेचर में तो आपको पता लगेगा ये भी डेवलप हुई है, हर चीज कहीं ना कहीं से वोल होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो ये फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, इसलिए लिया है कि हर जगह पे स्वस्थ मिले लोगों को और बेहतर सुविधाएं मिले। बिकॉज आज एक MS करने के लिए अभी क्या चल रहा है, रोहतक PGI से जो MS करता है उसको रिजर्वेशन है, जो वहीं का है उसको कोटा मिल के वहाँ से कर लेता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अभी BMS की PG हरियाणा में है ही नहीं, उसके लिए आपको बहुत एंशियंट जो सेंटर है उनके ऊपर जाना पड़ता है, वो भी एंट्रेंस क्लियर करके, और उसके ऊपर भी 0.55 पे ऐसे रैंकिंग चलती है, एक नंबर पे 4-4 स्टूडेंट होते हैं, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, जो कि मैंने हिमाचल से की है, मेरा वहाँ पर रैंक आया, तो हरियाणा में तो थी ही नहीं, मेरे लिए ईजी हो जाता, और ये है नहीं, तो इसलिए उनको ये लग रहा था कि ये डॉक्टर है ही नहीं और ये अचानक बन गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं आज देश भारतीय, मतलब जो देश है वो भी भारतीयों के हाथ में ही है, और ये प्रॉपर एजेंडा पहले से चल रहा था कि जो भारतीय पैथी है उसको तो उन्होंने वोल करना ही था, तो ये साथ साथ चल रही थी ये चीजें, और आज कहीं जाके भारतीयों के हाथ में पूरी तरह से देश आ गया, तो उन्होंने उस पैथी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया है। और बात रही बात मिक्सोपैथी वही सर्जरी, जैसे कि मेरे कई IMA के प्रबुद्ध डॉक्टर जिनको मैं देखता हूँ, कोई कहता है ये NMC करा के 2 साल की MS करा देंगे, ये कैसे करेंगे, कोई कहता है कि ये
वो कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, उन सब चीज़ों के आंसर आप मैं देना चाह रहा हूँ आपके क्वेश्चन से पहले ही। ये देखिए आप इधर देखिए, इसमें सारा ही एंटी सारा, ये देखिए नो सेप्टोप्लास्टिस, एसएमआर, फंक्शनल एंडोस्कोपिक, साइनस सर्जरी, गाइडवर्क सब कुछ है। इवन तो मैं भी आया हूँ, मैं सर्जरी करके आया। सेकेंड चीज़ वो कहते हैं ये मॉडर्न टेक्निक अपनाते हैं। टेक्निक क्या अपनाते हैं? आज मैं दूरबीन से ऑपरेशन करता हूँ तो दूरबीन किसी डॉक्टर ने थोड़ी बनाई है, ये इसका ये किसी की बपोती थोड़ी है, वो तो एक मेडिकल बायोटेक मेडिकल इंजीनियरिंग की देन है और उसको कोई भी यूज कर सकता है। रही बात बॉडी के वुमेन शरीर की या मानव शरीर की ज्ञान की, वो होना चाहिए डॉक्टर को। टेक्निक तो कोई भी यूज कर सकता है, वो दूसरी फील्ड से आए कहीं से भी आए, है ना, किसी डॉक्टर ने नहीं बनाई आज की जो टेक्निक है। फिर बात आती है कि भैया ज्ञान कहाँ से लेंगे? ज्ञान हमें जो पढ़ाया गया है आप उसमें पढ़िए। MBBS इक्वल कोर्स है, BMS इक्वल कोर्स है, उसके बाद PG भी, MS भी 3 साल की है, इनके MS भी 3 साल की है, और MS का मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी ही इनका है, और MS का मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी ही इनका है। कहीं ना कहीं फ़ायदा ये होना है अल्टीमेटली लोगों को, जो मेरे पास आएगा, क्योंकि मेरे कुलीग्स भी हैं जो बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन लिख रहे हैं, सर्जन है वो MBBS के बाद, ठीक है। अब मेरे पास जो आएगा मैं उनसे बेहतर आयुर्वेद भी जानता हूँ और मॉडर्न भी जानता हूँ जो मैंने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न सीख के कहीं से कोई 4 दिन में कर लेगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये आर्स ग्रंथ होते हैं, बहुत मेहनत की, जो आपने देखा जो सीखा 4-6 साल वैसे और 3 साल वैसे, उसके बाद ही आप एक ट्रेंड डॉक्टर बनते हो। मैंने MS की हिमाचल से, उस कॉलेज से जाके पूछो, अब कॉलेज को जो परमिशन है, कॉलेज ने मेरे को तो फर्स्ट ईयर के अंदर प्री ओप में ही लगाए रखा पूरे 3 साल। मैं जब जाता था तो शाम को बाहर निकालते थे ओटी, वहाँ 20-20, 50-50 ओटी चलती हैं। फर्स्ट ईयर में तो प्री ओप ही कराते रहते हैं, फिर 6 महीने बाद जाके हमें सर्जरी, जैसे उनको जो मिलता है वही सेम है। थीसिस लिखी जाती है, थीसिस हम लिखते हैं, वो भी थीसिस लिखते हैं। मिलाकर के बात की जाए तो BMS करके MS करते हैं वो डॉक्टर, कहीं ना कहीं जो एलोपैथी और आयुर्वेद को मिला करके लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सभी फायदा पहुंचाने का। और इकोनॉमिकल, जहाँ 10,000 का काम होगा वहाँ वो काम 5,000 में हो जाएगा, और 5,000 की बजाय भी क्या पता 2,000 में भी हो जाए। जितने अगर डॉक्टर ज्यादा निकलेंगे तो उसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये किससे नहीं संभलता भैया? नहीं शहर में कम से कम 150 BMS के हॉस्पिटल है, अगर 2 हॉस्पिटल भी बता दो जो प्लेन MBBS के हैं, हमारे को जो अलाउड है। नहीं नहीं, कोई चीर फाड़ के नहीं छोड़ेगा। 50 साल से हो रही है सर्जरी, सर 50 साल से सर्जरी हो रही है। आपने सुना इनका, देखो ना हिसाब किताब, BMS डॉक्टर 200 BMS डॉक्टर रेफर का, वो सुनो तो आप सुन नहीं रहे पूरी बात सुनो तो बहुत मैं बहस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 200 BMS हॉस्पिटल है, अगर आप दो हॉस्पिटल भी ऐसे दिखा दो हिसार में जो मतलब प्लेन MBBS चला रहा है, हमारे को अथॉरिटी नहीं है वो करने की, सर्जरी हम नहीं कर रहे। जो MS करेगा, MD करेगा आयुर्वेदा में, जिस फील्ड में करेगा वही हॉस्पिटल बनाएगा ना, कोई हॉस्पिटल बताओ तो भी 2 MBBS हॉस्पिटल MBBS डॉक्टर वो कर रहे हैं। ये तो इतने बड़े दिल वाले हैं, ये 200 साल बढ़ा के बैठे हैं, और जितने नर्सिंग होम है इनके, कोई भी नर्सिंग होम बता दो जिसमें BMS डॉक्टर ना हो, सारे नर्सिंग होम BMS डॉक्टर के सारे चलते हैं, वो उनकी OPD में बैठे होते हैं और वो एंटरटेन करते हैं। बस वो एक सुपर पावर है, उन्होंने बड़ी डिग्री ले ली, अच्छा पैसा आया तो एक बड़ा नर्सिंग होम बना दिया, ज्ञान कैसा ज्यादा होगा? आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि रेफर क्यों करते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने डिटेल करी एक बात, मैं बताता हूँ। हम वहाँ रेफर इसलिए करते हैं, उनको स्पेशलिटी की जरूरत जहाँ होती है वो स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। और अभी हमने आपको बताया कि आयुर्वेदा, अभी उन्होंने ये कहा आयुर्वेदा के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है कम, मैं एक अकेला MS हूँ यहाँ पे आयुर्वेदा में, तो ENT के तो मेरे पास ही भेज देंगे या किसी के पास भेज दे, वट एवर ENT को ही भेजेंगे। अब ये कान से पब्लिक को नुकसान होगा, फायदा होगा जो आप दोनों के आप प्रोसीजर हो रहे बड़े डॉक्टर, हमारे से तो फायदा ही होगा बॉस, हम तो जनता तक फायदा ही पहुंचाने के लिए बात कर रहे हैं, पब्लिक का तो फायदा है। किसी कुल मिला के जंग समझ लो, अमीरों के डॉक्टर और गरीबों के डॉक्टर, हाँ ऐसा ही समझ लीजिए, ऐसा ही जंग, बड़े डॉक्टर छोटे डॉक्टर की बात लगा लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं लगाओ, बड़े MP MLA भी हमारे पास नहीं, हम कह रहे हैं जवाब दे, एक सेकंड मैं आपको फिर जवाब देता हूँ, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि आप रेफर क्यों करते हैं,
देखिए मैं आप डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बात नहीं नहीं बुरा मानने वाली बात नहीं है, इट शुड बी क्लियर ना, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अभी जो डॉक्टर साहब ने समझाया, गवर्नमेंट ने अभी हरियाणा के अंदर एक भी कॉलेज बीएमएस करने के बाद सर्जरी करने का नहीं था। जितने डॉक्टर्स बीएमएस करने के बाद सर्जरी कर रहे थे या गायनी कर रहे थे या किसी और पैथी में हायर एजुकेशन कर रहे थे, वो हरियाणा से बाहर थे। तो हरियाणा में मौजूद बीएमएस करके पीजी डॉक्टर्स की कमी है। अभी जैसे डॉक्टर साहब डॉक्टर हिसार में डॉक्टर मनोज आर्या ईएनटी सर्जन है, इस तरह हर जगह पर जब डॉक्टर्स गवर्नमेंट ने जो अभी जो हम धन्यवाद करने के लिए बात आई है, जो गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी, इससे डॉक्टर्स बढ़ेंगे। हम जो एक पेशेंट, आपने कहा रेफर क्यों करते हैं, हमारे पास एक पेशेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, वो किसी चीज का पेशेंट भी हो, आप उसे प्राइमरी केयर दीजिए। हमने किसी पेशेंट को प्राइमरी केयर दी, आफ्टर देन हमने उसको ये देखा कि उस पेशेंट को पेट के डॉक्टर की जरूरत है, ऑपरेशन के डॉक्टर की जरूरत है, हड्डी के डॉक्टर की जरूरत है, दैट्स व्हाई वी रेफर टू देम। अगर उसे दवाई की और बीमारी हम डायग्नोज करें और फिजिशियन की जरूरत है तो हम इलाज कर रहे हैं। इसी प्रकार अब सवाल हमारा, हाँ जी ये बताएं कि आखिरी सवाल मेरा कि जो एलोपैथी करते हैं और एमएस करके जो बीएमएस करके एमएस करते हैं उनमें क्या फर्क होता है, कितना कोर्स का उनका फर्क? कोई फर्क नहीं है साहब, फीस जो उनकी लगती है जहाँ उनकी फीस में फर्क है, हाँ, वो कितना मैं आपको बताता हूँ। प्लस टू मेडिकल सारे स्टूडेंट करते हैं, आफ्टर देन प्लस टू मेडिकल करने के बाद नीट का एग्जाम सब स्टूडेंट का होता है, उसमें से कुछ बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, कुछ बीएमएस में एडमिशन लेते हैं। भारत में इतनी सीट्स नहीं है कि 16 लाख बच्चों ने नीट दिया और सबका एडमिशन हो गया। कॉलेज वाइज रैंक वाइज सबका एडमिशन होता है, किसी को बीडीएस मिलती है, किसी को एमबीबीएस मिलती है, फीस में दिन रात का अंतर है। बीएमएस की फीस 6-7 लाख रुपए में होती है प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ उनकी फीस 50 लाख तक होती है प्राइवेट कॉलेज में। एमएस की फीस जो डॉक्टर साहब एमएस जो आयुष के बाद एमएस होती है उसकी फीस 30 लाख तक होती है, उनकी फीस 1 करोड़ तक होती है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस, यानी मतलब जनता को फायदा मिलने वाला है 100%। उनकी फीस 500-500 रुपए ओपीडी में है, हमारी फीस है ही नहीं। वो फीस वो जिस सर्जिकल प्रोसेस के 1 लाख मांगते हैं, हमारे डॉक्टर्स उसकी फीस 25,000 में करते हैं। जनता को चीप चीज मिलेगी, ज्यादा डॉक्टर्स मिलेंगे, ज्यादा अवेलेबिलिटी मिलेगी। दूर दराज के गांव में जहां गवर्नमेंट चाहती है कि मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे, वहां तक डॉक्टर्स पहुंचेंगे। ये इसका मेन सरकार का जो निर्णय ये सही है, ये 100% सही है, देश देश की जनता के लिए फायदेमंद। धन्यवाद। आपकी एमएस और उनकी एमएस में फर्क क्या है? अभी मैंने बताया, आपने सुना नहीं जी, आप बताइए। एमएस का मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी, उधर भी मास्टर ऑफ सर्जन, इधर भी मास्टर ऑफ सर्जन, इधर आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों की नॉलेज लेके सर्जन, उधर सिर्फ एक पैथी के सर्जन। आप खुद डिसाइड करो फायदा किधर है और किस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कोई नहीं है, इक्वल कोर्स है, इक्वल प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है, प्राइवेट कॉलेज उनके भी है, प्राइवेट कॉलेज इधर से भी है, और नॉलेज सेम है, सब कुछ सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं है। एमएस का मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी है, बस इसमें फर्क ये रहेगा वो सारी एलोपैथिक देंगे, हमें लगेगा कि इसमें आयुर्वेद से भी काम किसी का चल सके। दिक्कत ये है कि आप उनके बराबर पहुंच रहे हैं। जी जी, ये है मेन बात, ये एग्जैक्टली है। और गवर्नमेंट ये चाहती है, ऐसा नहीं है, ये हम नहीं पहुंच रहे हैं, ये भारतीय पैथी पहुंच रही है, जो कि भारतीयों को जरूरत है इस चीज की, ये उसी को बढ़ावा मिल रहा है। पैथी को कौन लेकर जा रहा है, आप ही लेकर जा रहे हो? डेफिनेटली जी जी, ये हम तो माध्यम है, आपसे पैथी से थोड़े हैं, वही है ना, हम तो माध्यम है। उस टाइम में आपकी फीस से उनके बराबर हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, पिछले 60 साल में हुई, बाकी जगह पे हुई जो सैलरी में हो जाएगी, जवाब दीजिए, बाकी जगह पे हुई उनके बराबर फीस जो सैलरी में हो जाएगी। हम 60 साल से काम कर रहे हैं सर, देश बदला तो हमारी फीस तो नहीं बदली ना। आज भी आप जाके बीएमएस से इलाज कराएंगे, ओपीडी फीस नहीं लेते, फ्री कंसल्टेशन करके काम करते हैं, सिर्फ मेडिसिन के अंदर जो है चार्जेस होती है, उनकी तरह कोई रूम रेंट, कोई राउंड फीस, कोई इमरजेंसी चार्ज हमने आज तक नहीं लिया जी। देखिए वो आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ स्पेशलिस्ट होते हैं, और स्पेशलिस्ट की कुछ जेनुइन कंसल्टेंसी फीस होती है, वो मैंने भी रखी, क्योंकि जब इतना कोई पड़ गया तो कर रखता है, लेकिन इससे